कैसे तो अच्छे थे थोड़े डिफिकल्ट थे बट प्रिपरेशन के लिए वो ऐसे क्वेश्चन ही बेटर रहते हैं अभी लग रहा है कि नीट क्रैक कर जाएगा उस तरह की तैयारी करवाई है है फुल सपोर्ट रहता है कोचिंग तरफ से। me, knows, people, तो कोचिंग भी अच्छे होते हैं है, सब हेल्प करते हैं और हमको हाँ माहौल तो फ्रेंडली है सेम जो नीट में पूछा जाता है जिस तरह का सवाल उसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें हाँ पैटर्न तो उसी तरीके का रहता है पर कुछ सवाल उससे थोड़ा अच्छे रहते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और नीट का पेपर हमें इजी लगे बायोम का इससे पहले का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा तभी आए होंगे इस कोचिंग में हाँ रांची में सबसे पॉपुलर यही है इसलिए हमने बायोम को चुना हम लोग खुद भी प्रेशर में रहते हैं बच्चे तो रहते ही हैं आ, क्योंकि आ, रिजल्ट से हमारा पूरे साल का एक निचोड़ ये रहता है कि हम लोग ने पूरे साल जो मेहनत किया उसका रिजल्ट कैसा रहा हमारा और हर एक अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे यहाँ पे टेस्ट चलते रहता है जिससे कि उनका काफ़ी डर खत्म हो जाता है और वो जिस टारगेट को सोच के या जो मार्क्स उनको चाहिए होता है उसके करीब वो पहुँच पाते हैं सात मई को नीट का फाइनल एग्जाम होने वाला है उससे पहले कई जगहों पर तैयारी करवाई जा रही है मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं और बायोम जो कि रांची का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है नीट के लिए स्पेशली जाना जाता है अभी पीछे आप जो पोस्टर देखिए इतने टॉपर जो हर साल राज्य को डॉक्टर्स देता है उस तो संस्थान में इस वक्त हम हैं हमारे साथ बायोम के ओनर हैं पंकज सर सर से बात करेंगे और समझेंगे कि बायोम में मॉक टेस्ट लिया जा रहा है या नहीं या फिर कितनी तैयारी करवाई जा रही है सर सात मई को नीट की परीक्षा है बच्चों से ज़्यादा प्रेशर में तो हमको लगता आप है आप हैं बिल्कुल हम लोग खुद भी प्रेशर में रहते हैं बच्चे तो रहते ही हैं आ, क्योंकि आ, रिजल्ट से हमारा पूरे साल का एक निचोड़ ये रहता है कि हम लोग ने पूरे साल जो मेहनत किया उसका रिजल्ट कैसा रहा हमारा तो हम लोग भी प्रेशर में ही रहते हैं और बच्चे तो रहते ही हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे इस चीज़ों से इन सब चीज़ों से जो एग्ज़ाम का डर होता है उनसे बाहर आए इसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट लेते रहते हैं और हर एक अल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे यहाँ पे टेस्ट चलते रहता है जिससे कि उनका काफ़ी डर ख़त्म हो जाता है और वो जिस टारगेट को सोच के या जो मार्क्स उनको चाहिए होता है उसके करीब वो पहुँच पाते हैं हमारे यहाँ पे जैसे आज भी टेस्ट रहा है और आज भी यहाँ पे लगभग 300 के आसपास बच्चे बैठे थे और ऐसा तीन सेंटर पे एग्ज़ाम हमारा चल रहा है एक साथ एक यहाँ पे चल रहा है एक हमारा और भी ऑफिस है नगरा टोली में उसमें और हिनू में भी मतलब लगभग अभी आज के डेट में सात बच्चे अपियर हो रहे होंगे टेस्ट में सात बच्चों का टेस्ट लिया अच्छा जैसे ही मैं अभी हम जहाँ बायोम के जिस परिसर में है वहाँ जैसे मैं इंटर की देखा कि पूरा एग्ज़ाम हो रहा है मुझे लगा कि कुछ सीरियस एग्ज़ाम हो रहा बाद में पता चला कि मॉक टेस्ट है कैसे इसको कंडक्ट करते हैं इतना सीरियसली ये एक ओरिजिनल एग्जाम जैसा जी आ, बच्चों को हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो आ, फील करें कि हम रियल एग्जाम दे रहे हैं इसलिए हमने सेंटर भी उसी तरह से बनाया हुआ है जैसा आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जो सेंटर होता है उसी तरह का ये सेंटर होता है हमारे कोचिंग में ये एग्ज़ाम नहीं हम लोग करवाते हैं आ, लेकिन क्या है कि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी हमारे सेंटर में भी एग्ज़ाम कराना पड़ता है लेकिन ये सेंटर आप जब आए होंगे तो यहाँ का स्पेसिस और बाकी देखे होंगे गार्जियन जैसे एग्जाम सेंटर पर आके खड़े रहते हैं उसी तरह से इस सेंटर पर भी आपको मिले होंगे और बच्चों को यहाँ जो टेम्परामेंट होता है एग्जाम का हम लोग कोशिश करते हैं कि आ, सेम टेम्परामेंट उनको दिया जाए एग्जाम का और सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर हर चीज उसी तरह से देने का कोशिश करते हैं इस जो मॉक टेस्ट अभी आप लोग लिए आज जो लिए मेनली क्योंकि ये बड़ा था इसका फायदा ओरिजिनल नीट में होगा बिल्कुल हम लोग ये भी कर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो भी मार्क्स ला रहे हैं मान लिया कोई बच्चा अगर 550 मार्क्स ला रहा है तो यहाँ से वो ज़्यादा ही मार्क्स लेके आएंगे सात तारीख को मतलब हम लोग का ये पिछले पाँच साल सात साल में दिखता है दिखा है कि जो बच्चे जितना स्कोर करते हैं हमारे मॉक टेस्ट के लास्ट में लास्ट सेवन डेज टेन डेज में उससे कहीं फिफ्टी मार्क्स से हंड्रेड मार्क्स तक इंक्रीज कर जाता है तो इससे बच्चे लोग में ये आ जाता है कॉन्फिडेंस कि हमारा जो मार्क्स आ रहा है इससे नीचे तो नहीं जाएगा इससे ऊपर ही जाएगा एग्ज़ाम में लास्ट का जो मंथ होता है कुछ एक दो मंथ एग्जाम से वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा उस दौरान किस तरह की तैयारियाँ करवाई जाए लास्ट मंथ में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनका क्योंकि कोर्स ख़त्म हो जाता है तो वो रिवीजन पे फोकस रहते हैं सेल्फ स्टडी पे रहते हैं इसलिए हमने लाइब्रेरी भी बनाया है और बच्चे पूरे टाइम सुबह साढ़े सात बजे से लेकर साढ़े नौ बजे तक हमारे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं और हमने दो ग्रुप भी बनाया इसके लिए एक रैंकर्स और एक रेसर जिसमें हम हर एक साल बोलते हैं कि हमारे रैंकर्स के जो पच्चीस बच्चे हैं उन पच्चीस में से पच्चीस रिजल्ट होता है और आप देखे होंगे कि लाइब्रेरी में एक और बच्चे बैठे हुए हैं उसका नाम है रेसर उसमें हमने लगभग थर्टी बच्चे लिए हैं तीस बच्चे हम लोग लिए हैं उस रेसर बैच में उसमें से भी चांसेस रहता है कि बीस से पच्चीस बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा मतलब कॉन्फिडेंस इस तरह का रहता है बच्चे में कि अगर उस बैच में सिलेक्ट हो गए मतलब उनका सिलेक्शन हो गया ऐसा उनके दिमाग में रहता है दूसरा ये कि हम लोग मॉक का जो प्लान करते हैं लास्ट में मंथ uh, में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लगभग 20 से 22 टेस्ट पूरे मंथ में ले लेते हैं लास्ट में जैसे ये अप्रैल का मंथ चल रहा है तो लगभग 20 से 22 टेस्ट इस मंथ में हुआ है और इससे काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और एग्जाम हॉल में काफ़ी इसका फ़ायदा भी मिलता है उनको लास्ट के एक दो साल का रिजल्ट देखें अगर आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा देखते होंगे एनालिसिस करते होंगे कि कहाँ का रिजल्ट कैसा हुआ है तो बायोम का रिजल्ट आपसे छिपा नहीं है सर पिछले साल का जो अभी 2022 गुजरा था उसका रिजल्ट एक बार थोड़ा फीडबैक दे देंगे आ, पिछले बार हमारे यहाँ से लगभग 150 के आसपास से रिजल्ट हुआ था टोटल आप शायद प्रोग्राम में भी आए थे आपके चैनल से हमारे यहाँ का रिजल्ट भी ये हुआ था और हमारा इस बार भी कोशिश है कि उसी तरह का रिजल्ट फिर इस बार दिखेगा आपको और बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हमारे टेस्ट में तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रैंक भी अच्छा करेंगे पिछले बार ज्यादा बच्चे थे या इस बार बच्चे लगभग इस बार और पिछले बार लगभग बराबर ही एग्ज़ाम देने देंगे लेकिन नीट में इस बार बच्चे ज़्यादा अपियर हो रहे हैं तो कंपटीशन लेवल इस बार थोड़ा और ज़्यादा ही रहेगा तो इस कारण से अभी एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बता पाएंगे लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी हमारा हंड्रेड प्लस तो रिजल्ट रहेगा ही रहेगा बायोम का इससे पहले का रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा तभी आए होंगे इस कोचिंग में हाँ रांची में सबसे पॉपुलर यही है इसलिए हमने बायोम को चुना ये कितने सब्जेक्ट का था ये पूरा नीट मॉक टेस्ट था जैसा नीट का पैटर्न है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग था पूरा थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स का बायोलॉजी में फिफ्टी बायोलॉजी में वन एट्टी सॉरी टोटल वन एट्टी क्वेश्चन बायोलॉजी में नाइन्टी और फिजिक्स में नाइन फोर्टी फाइव और केमिस्ट्री में फोर्टी फाइव कब है ओरिजिनल एग्जाम आप लोगों का सेवन्थ में वो है हो गई ये तैयारी कोचिंग वालों ने करवा दी हाँ करवा दिए बहुत सारे टेस्ट लिया इन्होंने मतलब लास्ट फुल मंथ टेस्ट ही था पूरा सेम जो नीट में पूछा जाता है जिस तरह का सवाल उसी तरह के रहते हैं इसमें हाँ पैटर्न तो उसी तरीके का रहता है पर कुछ सवाल उससे थोड़ा अच्छे रहते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और नीट का पेपर हमें ईजी लगे आप लोगों का कैसा गया एग्जाम आप लोगों से कैसे कैसे सवाल पूछे गए पेपर तो अच्छा ही था पर मुझे लगा कि बॉटनी और केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड हो सकता था पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली टफ था नीट के कंपैरिजन में नीट के कंपैरिजन

चार सौ रहते हैं और सबके वन एटी मार्क्स रहते हैं सॉरी सबके वन एटी मार्क्स रहते हैं देखिए ये जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया जब ओरिजिनल नीट होगा तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हाँ डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा हमें ये हमें उस एग्जाम का माहौल प्रोवाइड करता है जो हमें देना है असली में फाइनली उसका माहौल प्रोवाइड करता है प्रेशर हैंडल हो जाता है हाँ हाँ वो एग्ज़ाम हमें इसी एग्जाम जैसा नॉर्मल एग्जाम लगेगा अगर हम ये रेगुलरली दें और अच्छे बेसिस पे दें तो

नॉर्मल अपना बेस्ट।, बेस्ट। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा ताकि हम नीट हाँ, ये भी सही है कि कुछ ऊपर कुछ कुछ रहते हैं ऊपर कि, कि, है कि कहाँ पर है आप कैसे क्वेश्चन तो अच्छे थे थोड़े डिफिकल्ट थे बट प्रेपरेशन के लिए वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ज्यादा नीट ओरिजिनल हाँ उससे कम्पेरेटिवलीपरेशन हाँ uh, के लिए प्रैक्टिस बिल्डिंग के लिए बेटर होते है।, हाँ, है अच्छा लास्ट के कुछ मंथ बहुत होते हैं तो इस मंथ में कुछ एग्जाम्स करवाएंगे हाँ बहुत सारे हैं हम लोग का पिछले ही साल से कॉन्स्टेंटली चल रहा है एग्जाम्स हाँ, हाँ हाँ कैसा गया एग्ज़ाम अच्छा ही गया exam. अच्छा ही गया चला गया मतलब तो. कुछ तैयारी अच्छी लग पाई कि टेस्ट की वजह से तैयारी अच्छी हुई है हाँ अच्छी हो रही है टी आर टेस्ट की वजह से जो एनालिसिस करते हैं उन बहुत ज़्यादा फायदा होता है टेस्ट के बाद जो एनालिसिस करते हैं ये टेस्ट सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल है बहुत अच्छी है टेस्ट मेरी तो अच्छी ही गई है किस तरह क्वेश्चन थे कितने मार्क्स में सब डिवाइडेड रहता है? तो 180 पर सब्जेक्ट होती है फोर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जोलॉजी तो सब वन एटी वन एटी केमिस्ट्री, होती है बायोम किस तरह से हेल्प कर है नीट के स्टूडेंट्स को हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पे टेस्ट भी अच्छे होते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं, और हाँ हमको माहौल तो फ्रेंडली है। तो बायो कैसा गया? सब बोल रहे हैं कि बॉटनी हार्ड था, बायो हार्ड था, क्या हार्ड था? Uh, see, it really depends on the people's preference and the performance. And comparatively, my botany is weaker than zoology. So, according to me, botany was hard. Who knows for other people, botany was comparatively easy than zoology. बॉटनी हार्ड था। तो अच्छा इस तरह के जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है बायो वो रियली आप लोगों को हेल्प करता है कि नीट में आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाए सी एल गो बाय द फ्रेज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो द मोर वी प्रैक्टिस द क्वेश्चन पेपर ओवर हियर द बेटर विल परफॉर्म ओवर द मेन एग्जाम तो ये टेस्ट आपको हेल्प कर रहा है या ऑफकोर्सली हंड्रेड परसेंट यस अभी तक कितने टेस्ट सीरीज़ लगभग लास्ट लास्ट के कुछ मंथ में बायो ने करवाए होंगे आई गेस अकॉर्डिंग टू ऑल द पेपर्स आई इवन गेव फ्यू एक्स्ट्रा पेपर्स सो आई थिंक सो अप्रोक्स मोर देन आई थिंक सो अब फिफ्टी क्वेश्चन पेपर्स आई हैव रन फ्राम दिस इंस्टीट्यूशन देखिए आज मॉक टेस्ट लिया गया नीट की बिल्कुल औरिजिनल एग्ज़ाम के पैटर्न पर लिया गया और ठीक उसी तरह से तैयारी करवाई गई है बच्चों की हमने बच्चों से बात भी की है और उन्होंने कहा कि तैयारी उनकी पूरी है लास्ट के जो कुछ मंथ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए जब हमने कुछ बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक वो 50 से भी ज़्यादा टेस्ट जो है वो दे चुके हैं और आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन जो है ओरिजिनल नीड्स के कंपेयर में हार्ड था तो सर ने भी बताया कि आज अगर आप फिफ्टी फाइव मार्क्स गेन करते हैं तो ओरिजिनल में उससे ज़्यादा ही आपको मार्क्स आएंगे आप सभी बायोम का रिजल्ट बहुत अच्छे से जानते हैं आप सभी एनालिसिस भी करिए कि रिजल्ट कैसा होता है हर साल बायोम डॉक्टरों की एक फौज खड़ी करता है और इस बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि जब झारखंड के बच्चे बायोम के बच्चे नीट में परीक्षा देने बैठेंगे तो जिस तरह से हर साल बेहतरीन रिजल्ट होता है उसी तरह से फिर झारखंड के बच्चे बढ़ चढ़ कर डॉक्टरों की एक बड़ी सेना तैयार करेंगे शुक्रिया www.thefollowup.in